पंचायत सचिव का परीक्षा हो गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, वो रघुवर सरकार के समय दिए थे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। रांची का टेम्परेचर 5 डिग्री से कम है, लेकिन विधानसभा के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया है, और यह टेम्परेचर बढ़ा है JPSC परीक्षा को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता है। मंत्री जी, बाहर इतनी ठंड है और अंदर इतनी गर्माहट है कि BJP वाला वॉकआउट कर दिया, मुख्यमंत्री जी जब JPSC को लेकर जवाब दिए, आपको भी क्या लगता है कि परीक्षा में कुछ भी नहीं हुआ है? देखिए, JPSC के मुद्दे पर माननीय रूलिंग पार्टी के माननीय विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात को पटाक्षेप किए और जो उनको बोलना था बोले, और सभी को कहा कि भाई हमारे सरकार में किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि 4 लाख लोग परीक्षा दिए, 4000 पास किए, और जो भी 252 छात्र पद रिक्त है उतना ही लेना, उसमें भी लोग छटेंगे। तो जो सरकारी प्रक्रिया जो प्रावधान है, चूँकि JPSC ऑटोनॉमस बॉडी है, तो अपने सिलसिलावार से अपना काम कर रहा है, कहीं किसी तरह कोई अनियमितता नहीं है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पकड़ लिया है JPSC तो हल्ला कर रहे हैं। ये जनहित का मुद्दा उठाना चाहिए सदन में, क्योंकि सभी लोग अपने क्षेत्र पर जिम्मेवार हैं और सर्वोच्च पंचायत है, जनता ने भेजा है। तो बहुत सारे और बात है कुछ JPSC छोड़ करके, लेकिन दूसरा बात तो आते नहीं है। आप लोग भी जांच के लिए क्यों नहीं देते, फिर मुद्दा ही खत्म हो जाता है, जाँच हो जानी चाहिए। देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री खुद उन्होंने अपना वक्तव्य विधानसभा में दे ही दिया, सदन में पूरा झारखंड देख रहा है कि भाई हम सिलसिले ढंग से कर रहे हैं, कहीं किधर कोई अनियमितता नहीं है, अनियमितता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, सरकार के भी 2 साल पूरे हो जाएंगे 29 दिसंबर को, आप रोजगार वाले डिपार्टमेंट से हैं और रोजगार को लेकर बहुत आंदोलन हो रहा है झारखंड में, तो क्या लगता है कि आप लोग तमाम वादे को पूरा कर पाए? देखिए, रोजगार के कई अवसर है, रोजगार मतलब कोई JPSC है, कोई OPSC है, कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल है, सिविल है, कोई आम मजदूर है, तो हर स्तर पर हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और खासकर श्रम विभाग के द्वारा हम लोग COVID-19 में भर्ती कैंप लगा करके लगभग 6000 लोगों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किए, और खासकर चतरा जिला में, जिस जिला से हम हैं, और होमगार्ड की बहाली का रिजल्ट हम लोग आउट कर दिए, लगभग 800 NM की बहाली हुआ, लगभग 200 इसके लिए अनुबंध कर्मी का होने, 2020-2021 में 2000 लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने काम किए। अब सोच सकते हैं 24 जिला है, तो हर जिला में ऐसा हुआ होगा तो कितना लोगों को रोजगार मिला होगा। और अभी आपका अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बहुत लोगों को आम आवाम का लाभ मिल रहा है, खाने के लिए अनाज हम लोग दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा, साड़ी, धोती, पैंट सभी वितरण कर रहे हैं, अभी कम्बल वितरण कर रहे हैं, जो आवश्यकता है सरकार पूर्ति कर रही है। अच्छा मंत्री जी, आप लोग वादा किए थे बेरोजगारी भत्ता, 2 साल बीत गए, अभी तक मिल नहीं पाया, क्या पेंच मारे पास समय है 31 मार्च तक पहले, क्योंकि विभाग तो मेरे ही अंदर में है और आवंटन भी है, उसका होमवर्क चल रहा है कि कितना लोगों को देना है और किस प्रक्रिया में देना है, तो जैसे ही प्रारूप बन के तैयार हो जाएगा सबको खाता में पैसा चला जाएगा। पता चला कि जो आवंटन था विभाग को वो वापस ले लिया गया, ये वापस कर हम ही ना वापस करेंगे, ये वापस हुआ नहीं है। किस जिला में किस कैटेगरी के किनको दिया जाए, उसके लिए हमारा जो टीम है वो काम कर रहा है, पंचायत सचिव और पैसा सभी को जो घोषणा हम लोगों ने किया है 5000-7000 सभी को मिलेगा। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी बहुत आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई आपको जानकारी है कि क्या 29 दिसंबर से पहले उनको नियुक्ति? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार मांगना है, और मांगने पर आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, तो उन लोगों की मांग भी है, जांच है, सरकार उस पर विचार करेगी, जितना अनुबंध कर्मी है सब पर सरकार गंभीर है और विचार कर रही है, उन लोगों जो आशा अपेक्षा है सरकार जरूर पूरा करेगी। पंचायत सचिव का परीक्षा हो गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, वो रघुवर सरकार के समय दिए थे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं, उसको भी हम लोग करेंगे, विचार कर रहे हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in